बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव ने राम मंदिर के खिलाफ चल रहे प्रोपोगेंडा पर लेफ्टिस्ट पर तोड़ी चुप्पी। राम मंदिर के उद्घाटन पर बोली ये बड़ी बात, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। एल्विश यादव को माना जाता है हमेशा से ही सच्चा और कट्टर हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना। राम मंदिर के लिए एल्विश यादव ने कई बार अपनी आवाज़ उठाई है। इवन अब एल्विश यादव ने कुछ ऐसे मुद्दों को भी उठाया है जो बहुत सारे लोग उठाने से डर रहे हैं। अपने व्लॉग में उन सबको मुंहतोड़ जवाब दिया है जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन और राम मंदिर के रामलला के विराजमान पर सवाल उठा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। आखिर क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, इस पर एल्विश ने क्या कुछ कहा है, मैं चाहूँगा छोटी सी क्लिप है इसको एक बार को आप ज़रूर सुनिए। राम यात्रा पे पत्थर मार रहे हैं भाई, बंदों को शर्म नहीं आ रही यार पत्थर मारते हुए राम यात्रा पे। मतलब मुझे एक बात बताओ, ये इन्हें क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो जिनका ख़राब होता है सिस्टम भाई उनका ख़राब ही रहते हैं वो, ये यहाँ भी पत्थरबाजी करते हैं। मैं नहीं कह रहा सब, पर क्यों करते हैं, क्या मिल रहा पत्थरबाजी करके, मुझे एक चीज़ तो बताओ। वापस इनका पत्थर मारने लग जाए, अब देखो वो वीडियो में आइडेंटिफाई हो गए वो, अब ये फिर पिटेंगे, पुलिस वाले मारेंगे, लीगली इनको छेतेंगे, तो अच्छी थोड़ी है। जब पता है भाई किसी चीज़ का अंत, घर तोड़ देंगे इनका बुलडोजर चला के, हैं ये छोटे छोटे पत्थरबाजी के चक्कर में अपना घर तोड़वा लेंगे, बेरोजगार तो होंगे जो भी होंगे। मत क्या करो यार, मतलब क्या सोच है, ये ऐसे नहीं खत्म हो सकता कि इनको बोल दिया भैया सब मत करो तो वो नहीं करेंगे। भाई सोच का फर्क होता है, सोच का सिर्फ सोच का, इनकी सोच खराब होती है वो ही कर देते हैं। अब उनकी दिमाग में चल रहा होगा आड़ा कि अच्छा हमारा यो तोड़ के यो करा, ले तो ले पत्थर, ले पत्थर मार के क्या फाड़ लिया, है लीगली हुआ नहीं, लीगली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसमें तो कुछ हो नहीं पाया। अब एक बच्चा है तो यही छोटी 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 चीज़ें पत्थरबाजी करके, बहुत गलत चीज़ है भाई, गुस्सा हो रहा था सारा देख के। तो जी हाँ, ये था एल्विश यादव का बयान उन लेफ्टिस्ट लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़कर हुआ है और वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर एल्विश ने साफ तौर पर एक बात कही है कि लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ग्रो अप हो, लोगों को और भी ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। अगर राम जन्मभूमि पर राम विराजमान नहीं होंगे तो वहाँ पर कौन होगा। एल्विश ने उन लोगों को, लेफ्टिस्ट लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो लोग आज के जो कि देश का सबसे बड़ा पर्व है, देश के अंदर दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनाई जा रही है और इस दिवाली को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप बताना कमेंट बॉक्स में एल्विश के इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।